निकाल बाहर निकाल तेरा जल्दी। हाँ हाँ निकाल पूरा बाहर। हाँ निकाल। मारो उसको अंदर से और तेज के साथ सब बाहर। निकाल बाहर जल्दी सब। हाँ निकाल। सीधा बैठो। जल्दी निकाल पूरा बाहर। हाँ निकाल बाहर निकाल तेरा जल्दी। हाँ निकाल। पूरा बाहर पूरा बाहर। तब भी हाथ तेरे काट के बाहर टांग दूंगा। जल्दी बाहर निकाल पूरी दवा। कपड़ा दो उसको। पानी पिला रहे छोकरे। गिलास गिरा नीचे उड़ा। पिलाओ उसको एक घूंट में। चल रहे बाहर पूरा जल्दी से। चल बाहर निकाल जल्दी निकाल पूरा निकाल बचा कुछ। अब भी हाथ काट के बाहर टांग दो बोला क्या। जल्दी लाओ उसके अंदर से खींच के पूरा धोके बाहर लाओ। सताने वाली दवा औरत मर्द में झगड़े लगाने वाली दवा बीमार करने वाली उसको जो भी दवा है मारने वाली सब बाहर लो। चल बाहर पूरी दवा बाहर। इधर से ही पकड़ो। हाँ ये जो है तो पहले जो जिसने भी करा था इसी हरकत उसका नाम वाम निकाल लिया हमने। बट अब जो है तो दवा निकल रही बाहर खुद ब खुद। उमच पानी लाए उनका उनकी पानी की बाटल ला के क्या बोलते हैं जैसे पढ़ना चालू करे पानी पिलाते चल रहा है उनसे। देखो दवा बाहर निकलना चालू हो गई। जबकि वो बिस्लरी का पानी वानी पिलाए तो मीटिंग बंद हो जाती। देखो खुदा की कुदरत उस पर कौन से भी पानी पर बिस्लरी पर किस पे पड़ के पिलाए तो यहाँ पर सब ऑटोमेटिक निकलना चालू होता। फेस की शक्ल में राल की शक्ल में सब निकल के अंदर से पूरी दवा सब बाहर गिर रही। जो कि उसको तकलीफ़ा परेशानियाँ अंदर दे रही थी उसके आंग को सख्त कर दे रही थी मेरी लड़ाई लगा रही थी एक्स वाई जेड बहुत सारी बातें। लोग क्या करते तुम्हारी ज़िंदगी को नज़र लग जाती लोगों की। लोग बहुत बदमाश रहते तुम्हारे अपने ही। तो बोलता ना हमें तो अपनों ने लूटा दूसरों में कहाँ दम था कश्ती डूब गई वहाँ पानी कम था। तो वैसी दास्तान हो गई तुम्हारे को दुनिया वालों तुम्हारे अपने चरित्र लूटने वाले डुबाने वाले खड्डे में डालने वाले जाके। मगर याद रखना अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थाम के रखेंगे तो फिर तुम्हारे को कोई जहमत देने वाली ताकत नहीं है सातों जमीन आसमान में गैलेक्सियों में। ये सब अल्लाह के हुक्म के गुलाम हैं। और मेरा पाक परवरदिगार तुम्हारी जब हिफाजत की ठान लेंगा तो फिर कौन तुम्हारे को जहमत देगा।
फिर कौन तुम्हारे को तकलीफ पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। मगर तुम पहले से ही बात के रस्सी मजबूत थामो तो बच के रहेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और देखो निकालो उसके अंदर से मार मार के नाला के सारी दवा। चल रहे बाहर ले जल्दी पूरी दवा तेजी के साथ, और दोनों हाथ काट दूंगा अभी। पूरा जल्दी बाहर है, देखेगा यही सारा काम। मैं भी ये जो बातें हैं तो ये मानता नहीं था। इंसान को रात में खिलाए तो सुबह तक उसके पेट में रहता नहीं, चाहे वो इंसान हो जानवर हो कोई भी हो हैवान हो किसके भी पेट में रहता नहीं। फिर दवा सालों साल कैसा टिक के रह जाती अंदर, बाद में अल्लाह ने वो भी रास खुलते खुलते खोला मेरे ऊपर की यकीनन दवा भी अंदर रहती और कहाँ कहाँ छुप के रहती किस शक्ल में रहती वो भी सब पता चला। आम जनता को नहीं मालूम थी सब बातें। बाकी बहुत सारे राज बहुत सारे गैरी दास्तान हैं, इन सब का निचोड़ ही निकलता वो है इबादत इबादत इबादत। दूसरे का घर गर्म पानी से, दूसरे का घर आँख से जलेंगे तो तुम्हारा घर गर्म पानी से जलता, समझो ना लोगो। तुम दूसरों के बच्चों का ख्याल नहीं करेंगे, ऐसे जादू को नहीं करेंगे दूसरे को, तुम पे भी मार पड़ेंगी और तुम दुनिया में भी भुगतेंगे, खबर के अंदर भी भुगतेंगे और जहन्नम में भुगतना पड़ेगा, लामहदूद जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे हरकतें मत करो, शैतान के साथी मत बनो, अल्लाह वाले बनो, बुजुर्गान दीन को चाहने वाले बनो, औलिया अल्लाह साहबा इकराम से मोहब्बत करने वाले बनो, साहबाइन तबिताबाइन शौदाइन करबलाइन बुजुर्गान दीन इन सबको चाहने वाले बनो, इनके राह पे चलने वाले बनो। अगर शैतान के साथियां बनेंगे, शैतान के पुजारियां बनेंगे, शैतान को मानने वाले बनेंगे तो जाओ फिर उसके साथ जहन्नुम में बढ़ो। दुनिया भी गई तुम्हारी, आखिरत भी गई, चार दिन की जिंदगानी तो मुशायरा करके क्या बोलते, तो अपने आप का गारत कर लिए फिर तुम्हारा सारी आखिरत सब गारत हो जाती। इसलिए मत करो इस हरकत इबादत की रस्सी मजबूत इस्लाम। निकालो उसको मार मार के जल्दी बाहर, चल रहा है पूरा बाहर ले। पानी पिला छोकरे उसको, और बाटल लाना था ना, अरे पानी की खत्म होगा वो तो पूरा। अरे पी जल्दी से ही, तब इसका उसमें और मिला ना पानी अंदर इतना बड़ा पानी। रुक जाओ नहीं तुम मत रुको, तुमको कौन आदेश दिए वहां से? एक मिनट इधर आओ, इधर पीछे से बोतल वहां रखी है, उठा लो थैले में, दुकान में से बॉटल लेके आता। थैले में रखी, थैले में रखी, रखी है बोलते जा। चल बाहर जल्दी, कम है ना नाला है लोगों के जाना ले रहा। दालीस में अब भर उसको दो ताबीस को के पानी को। चल रहे जल्दी बाहर, पूरा बाहर। चल रहे अब बाहर जाके निकाल दे रहे उसकी दवा पूरी। चलो अब उसको वैसे ले जाओ बाहर, 20 मिनट गिन के बिठाओ, 20 मिनट में हर 2 मिनट में 3 मिनट में उसको पानी पिलाते रहो कि
कितना नहीं, और चालू रखो तुम बंद हाँ, चालू चाहिए नहीं बंद नहीं कर रहा और उसको कितना निकल रहा है निकलन दो फिर उसके बाद 20 मिनट को ऑन कर लो। अब बंद करूं? नहीं अभी चलो ये जो मामला है ये खिला के छोड़े थे एक्स वाई जेड जो दास्तान है पहले तो सब पहले की वीडियो में नाम वाम सब सामने आ गए थे अब जो है तो दवा पूरी सामने लाइव में निकली अल्लाह की हुकुम से अल्लाह के फर्द करम से देख सकते सामने यहाँ से जो है तो कोई चीज़ छुप नहीं सकती और कोई चीज़ तुम्हारे अंदर रह नहीं सकती यहाँ आने के बाद वो सबको ख़त्म होना ही होना है क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत सबके ऊपर है और अल्लाह सब पर काबिज़ है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन क़दीर अल्लाह हर चीज़ का क़ादिर है। और एक बात याद रखना लोगों यहाँ आने के बाद तुमको फैज़ मिलना ही मिलना है। एक तो तुम्हारे घर पे जाने के बाद तुमको ऑटोमेटिक उल्टियाँ के जुलाबों की दवा निकलेंगी नहीं तो जुलाबों की निकलेंगी नहीं तो नाक से पानी बह के निकलेगा नहीं तो जो भी शक्ल में होंगी उस शक्ल में से उसको बाहर निकाल के फेंक देते। देखे ना अभी लाइव में ये सब तुम्हारे आंखों के सामने है मैं क्या बोलूँ देखो देख के अकल हैरान हो जाती है। सब अल्लाह के कलाम की मौजज़े इंसान की कोई बस की बात नहीं रहती कायनात की कोई हर चीज़ को चलाने वाली कोई हस्ती है दे जान पे भी वो हुकूमत करता और जानदार पे भी वो हुकूमत करता वो रब्बुल आलमीन है वो अर्श अजीम का मालिक है वो रब्बे काबा है उसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता हर धर्म का निचोड़ धर्म के बाद जितने भी धर्म के लोग हैं ना बेवकूफों को तुम किसको बुरा बोलते एक दूसरे के धर्म के ईश्वर को बुरा बोला भाई सबका ईश्वर एक ही है खाली गॉड मैसेंजर अलग अलग है वो ईश्वर बोलेंगे उसको संस्कृत में वही उसको मराठी में ईश्वर बोलेंगे वही उसको ही इंग्लिश में गॉड बोलेंगे उसको ही उर्दू में खुदा बोलेंगे उसको ही इंग्लिश में गॉड बोलेंगे उसको ही अरबी के अंदर अल्लाह बोलेंगे अल्लाह समझे उसके नाम है वो परमात्मा है वो सारे आत्माओं की जिसने रचना रचा उसकी कोई शक्ल नहीं है वो सारे कायनात की रचना रचने वाला है सारे गैलेक्सियां चांद सूरज हर चीज़ उसने बनाया और हर चीज़ उसके हुक्म की गुलाम है और वो अकेला है और वो वाहिद है ना वो किसी से पैदा हुआ और ना उससे कोई पैदा हुआ। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जगह जगह मूर्तियां बनाकर पूज रहे इसकी सूरज की सबकी बंदगी कर रहे अरे उसकी बंदगी करो जिसने सूरज को बनाया जिसने बैल को बनाया गधे को बनाया इंसान को बनाया हर चीज को बनाया आसमानों को बनाया। अर्थ ईश्वर स्तुति परत्न उपासना मंत्र हा अर्थ ईश्वर स्तुति परत्न उपासना मंत्र हा वो ईश्वर निराकार है उसकी कोई मूरत नहीं है उसने जगत को पालनहार है इसलिए उसे विष्णु कह दिए वो ब्रह्मांड की रचना रचा इसलिए उसे ब्रह्मा कह दिए वो जगत में जला ली है सबको जला के राख कर सकता इसलिए सबको भस्म कर सकता इसलिए उसे शंकर कह दिए। तो बताओ तुम अपने अपने हिसाब से नामा रख के उसकी मूर्ता बना दे रहे और मूर्ता बना के पूज रहे उसकी तो कोई मूर्त नहीं निराकार है बता दिया ना जैसा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के सब बातों का सब आयातों का सब ग्रंथों का एक ही निचोड़ निकलता लास्ट में वो है ईश्वर। हम आपस में लड़ेंगे तू हिंदू मैं मुसलमान उन्हें सिख उन्हें ईसाई तो फिर तुम जाओ फिर भूख तो फिर तुम ये नफरत फैला रहे गलत कर रहे नफरत को छोड़ो इंसानियत को देखो इंसान जब परेशान हो जाता ये जादू टोना क्यों नहीं देखता तू मुसलमान है तू हिंदू है तू सिख ईसाई है करने वाला तो तुम्हारा आपस का चरता कितना खतरनाक कर देता उन्हें कितना तकलीफ में डाल देता तुम्हारा को और वो जो जादू टोना भी रहता जो अमल अम्बलियात रहता जो तंत्र मंत्र की रहती वो भी कोई जात पात को नहीं देखती जिसपे भी हमला कराना उस पर जाके हमला करती बचाने वाला कौन है फिर ईश्वर ही है तो इसलिए पहले ईश्वर की बंदगी करो समझो ईश्वर को बुरा बोल रहे मुसलमानों के खुदा को हम बुरा बोल के खुश होंगे मैं हिंदू के ईश्वर को बुरा बोल के खुश होऊंगा वो उन्हें क्रिश्चियन के गॉड को बुरा बोल के खुश अरे ना लायक हो सबका नाम एक ही छे सबका अर्थ एक ही छे सबका ईश्वर वो एक ही छे वो सन वो सूरज वो सूर्य उसको कितने भी जबान में तुम बोलो है तो सूरज इतना हो मैं सूरज बोल के गाली दूंगा तू उसको सूर्य बोल के गाली देगा उन्हें उसको सन बोल के गाली देगा मगर गाली तो लग रही सूरज को तो वैसे ही मैं तुमको बार बार एक बात बता दूंगी ईश्वर एक है और वो ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं उसकी कोई शक्ल नहीं वो निराकार है और उसने ही सारे ब्रह्मांड की रचना रचे वाली उसने सबको पैदा किया। बहुत बाल से बारीक स्टडीज करो तो तुमको ये सब बातें पता चलेंगे बाकी किसी के बहकावे में मत आओ और किसी को बुरा मत बोलो ईश्वर को बुरा बोले तो किसका कुछ नहीं जाता तुम्हारी तकदीर खराब हो जाती जल के राख हो जाती सारे बनते काम बिगड़ते हैं फिर तुम खड्डे में जाके गिरते और लास्ट में तुम दुनिया में भुगतते आखिरत में भुगतते
बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह भटके हुए बंदों को अहदिन सिरातल मुस्तकीम की राह पर लाए, और दीन और दुनिया की दौलत से भी तुम्हें नवाज दे। चलो रुको।